आज यहां से एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। हम क्या करने वाले हैं कि अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग लोगों ने जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है उनकी कुछ कोटेशंस हैं। उन कोटेशंस के थ्रू हम उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे, ऐसा क्या था उनकी सोच में जिसकी वजह से वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर पाए। तो आज शुरुआत होने वाली है अल्बर्ट आइंस्टाइन से। लेकिन अगर आप लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिनकी कोटेशंस की हम डेप्थ में जाएं और उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे आने वाले सेशंस में मैं एक एक करके उनको कवर करता चला जाऊंगा। तो जो पहली कोटेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की वो है, एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई और उस फिश को जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो बेवकूफ है। यानी कि अगर दुनिया आपको जज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब दुनिया बेवकूफ है। बट अगर वो मछली खुद अपने आप को जज करने लग जाए इस बेस पे कि देखो मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो मैं बेवकूफ हूं, तो वो बेवकूफ है। हर एक की कोई ना कोई एबिलिटी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन को बैट दे दिया जाए तो वो कैसे लगेंगे, लोग हंसेंगे। या अकाउंट्स में डाल दिया जाता तो क्या होता, जबरदस्ती उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाता तो क्या होता, क्या वो कभी भी ऐसा कुछ अचीव कर पाते जो उन्होंने अचीव किया। नो डाउट ही वॉज अ जीनियस, बट वो जीनियस क्यों थे, क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन थी। जैसे कि एक मछली है, अगर उसको बोला जाए कि पानी में तैरो तो वो पानी में बहुत तरीके से तैर सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है कि जो देखने वाले हैं दे विल बी मेस्मराइज्ड। वो कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, जिसको पानी के अंदर तैरना नहीं आता है और वो उसको देखेगा मछली को तो वो क्या कहेगा, ये मछली जीनियस है। तो इस तरह से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा पर्सनैलिटी टाइप क्या है, और जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर एक्ट करेंगे देन स्काई इज द लिमिट। फिर सबके अंदर एक जीनियस है, फिर सब जीनियस है। नेक्स्ट कोट इज, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। क्यों कहा जा रहा है ये, देखो क्या कमाल की बात इन्होंने कही है। बल्कि जिस वक्त इन्होंने कही थी उस वक्त कंप्यूटर्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे, इंटरनेट इतना ज्यादा पेनेट्रेट नहीं हुआ था, फिर भी वो देख पा रहे थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बेस पर ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। क्यों एजुकेशन में लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करी जाए तो जो फैक्ट्स हैं या जो नॉलेज है वो तो एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है। मतलब अगर एजुकेशन का मतलब यही है कि स्कूल जाओ कॉलेज जाओ और जो बुक्स में लिखा है उसको रट लो और अपने यहां पर फीड कर लो, तो इसकी जरूरत क्या है, वो तो ऑलरेडी मोबाइल में है। जो बुक्स में लिखा है अगर उसको आपने रट भी लिया और यहां पर फीड भी कर लिया तो अगर उसको रिट्रीव करना है तो कैसे करोगे, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तभी तो वो याद आएगा और आप बोल दोगे। बट यही काम अब अगर क्वेश्चन पूछ करके ही आंसर आना है तो वो क्वेश्चन तो आप यहां पर भी पूछ सकते हो, मोबाइल में आप इससे पूछोगे, हां भैया बताओ ये क्या है वो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ये मोबाइल ही दे देगा ना आपको आंसर। और जितनी मेमोरी इसके अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज एक मोबाइल के अंदर फीडेड है, जितनी नॉलेज गूगल में फीडेड है, क्या उतनी नॉलेज हम अपनी ब्रेन में फीड कर सकते हैं। तो हमारी ब्रेन, अगर हम एजुकेशन को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब कि फैक्ट्स को यहां पर फीड कर दिया जाए, तो हमारी ब्रेन इससे बहुत पीछे ही रहेगी चाहे हम जितना मर्जी डेवलप कर लें, तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो व्हाट इज रियल एजुकेशन, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते तो हम ऐसे लोग अपने एजुकेशन सिस्टम से निकालेंगे जिनके अंदर फीडेड तो बहुत कुछ होगा बट उनको यही नहीं पता होगा कि सोचते कैसे हैं। यहां पर दो बातें करी जा रही है, एक है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। नंबर वन, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। व्हाई लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल द फैक्ट्स ऑल द नॉलेज ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर उसको यहीं पर स्टोर करने का नाम एजुकेशन है तो ये तो किसी काम की नहीं है, वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके मोबाइल में। जब यहां पे स्टोर्ड है तो यहां पर क्यों स्टोर कर रहे हो दोबारा से, एज सिंपल एज दैट। नंबर वन। नंबर टू, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक,
कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि सोचते कैसे हैं, और सोचना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, सोच करके निकलता है, मेमोरी से नहीं निकलता है, गूगल से नहीं निकलता है, फैक्ट से नहीं निकलता है, नॉलेज से नहीं निकलता है, उस नॉलेज को यूज कैसे करना है उससे निकलता है। अगर मेमोरी से या बुक्स से सॉल्यूशन निकलता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, किसी को पैसा कमाना है, इतनी सारी बुक्स हैं, पढ़ लो, निकल गया सॉल्यूशन। उससे नहीं निकलता है, इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरीके से करना है उससे सॉल्यूशन निकलता है। जिस सवाल का जवाब गूगल नहीं दे सकता है, उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको, सोच करके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सको जो गूगल नहीं निकाल सकता है, तो कहेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। ये इंटेलिजेंस डेवलप करने का काम होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। दिस इज रियल एजुकेशन। नेक्स्ट कोट इज, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। नॉलेज के बेस पे जो पास्ट में हो चुका है उसको हम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि इमेजिनेशन ना हो। यानी पहले हम कुछ इमेजिन करें, फिर नॉलेज को यूज करें तो ठीक है, बट अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पर हम सोचे कि कुछ भी नया डिस्कवर हो सकता है, इंपॉसिबल। नॉलेज के बेस पर हम गोल 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 एक पैटर्न में घूम सकते हैं कि जो हो चुका है उसको रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक बल्ब है, तो इस बल्ब को बनाने की एक नॉलेज है हमारे पास में, तो उस नॉलेज से क्या हो सकता है, और बल्ब्स बन सकते हैं, एक फैक्ट्री बन सकती है, उस फैक्ट्री में और बल्ब्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक ऐसा भी टाइम था जब कोई बल्ब नहीं था, देयर वाज नो बल्ब, तो बल्ब कहां से आया, क्या नॉलेज से आया? जो भी ह्यूमैनिटी की नॉलेज थी हजारों साल की, क्या वहां से आया वो बल्ब? बल्ब कहां से आया? इमेजिनेशन से आया, किसी ना किसी ने सोचा। यानी वो बल्ब कहीं नहीं था, किसी बुक में नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, कहीं नहीं था, किसी के माइंड में था। उसने सोचा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, वो इमेजिनेशन रियलिटी बन गई। इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास में देखें, इस दुनिया में कुछ भी, एक सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, सब कुछ आज रियलिटी है। आज वो नॉलेज के फ्रेमवर्क में है। आज हमारे पास में नॉलेज है कि सुई कैसे बनानी है, एरोप्लेन कैसे बनाना है। वी हैव नॉलेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ रनिंग इट, वी हैव नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग इट। बट एक टाइम पे वो सब क्या था, वो इमेजिनेशन था, सब इमेजिनेशन था। जब इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो नॉलेज हो जाती है, फिर उसको रिपीट किया जा सकता है। तो दैट इज कन्वीनियंट, बट वहां पर कुछ भी नया डिस्कवर नहीं हो सकता है। कुछ भी नया डिस्कवर करना है तो यू नीड इमेजिनेशन। जैसे एक तरफ से व्हील डिस्कवर हो गया, एक तरफ से लगेज डिस्कवर हो गया, अब यहां पर इमेजिनेशन की जरूरत है। क्या लगेज उठाने में दिक्कत आ रही है? व्हील है, व्हील लेकिन बड़ा है, तो अगर इस व्हील को छोटा कर दिया जाए और उस लगेज के नीचे फिट कर दिया जाए तो क्या होगा? ये इमेजिनेशन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। यानी कि अगर इसको हम अपनी लाइफ से रिलेट करें, तो जो भी हमारी जो करंट सिचुएशन है, या जो भी कुछ आज तक हमारे साथ में हुआ है, वो सब क्या है? नॉलेज है, फैक्ट्स है। हो सकता है वो फैक्ट्स या जो हमारी रियलिटी है वो ये कह रही है कि हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, बट इमेजिनेशन यहां पर क्या कर सकती है? इमेजिनेशन यहां पर अगर हमारे अंदर है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस रियलिटी को बदला जा सकता है। हम अपने लिए एक नया फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द रिसोर्सेज दैट वी हैव, बेस्ड अपॉन द नॉलेज दैट वी हैव। उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी इमेजिनेशन को सच कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इमेजिनेशन इज रियल इंटेलिजेंस, क्योंकि नॉलेज को तो एक रोबोट भी रिपीट कर सकता है। तो रोबोट को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कह सकते हैं, रियल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, वो बनाना है, तो वो तो मशीन्स भी क्रिएट कर सकती है और करती ही है, एक रोबोट भी बना सकता है,
लेकिन कुछ ऐसा है जो रोबोट नहीं कर सकता, जो हम ही कर सकते हैं. दैट इज रियल इंटेलिजेंस, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस. तो ये कुछ कोटेशंस थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसको आज हमने डीपली समझने की कोशिश करी है. अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई और पर्सन भी है जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है किसी भी फील्ड में और उनकी भी कोटेशंस की हम डेप्थ में जाएं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो मेरे आने वाले सेशंस में मैं एक एक करके उनको कवर करता चला जाऊंगा. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.